नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन एक का हल करेंगे। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर 135 डिग्री है और पी क्यू टी 110 डिग्री है तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। देखिए, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया और क्यू पी को एस तक बढ़ाया है और यहाँ 135 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए, पी क्यू टी 110 डिग्री का, तो पी आर क्यू यानी इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, कोण एस पी आर प्लस QPR बराबर 180 डिग्री। देखिए, कोई भी एक, देखिए सीधी रेखा रहेगा, तो देखिए एक सीधी रेखा पर किसी भी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। इस तरह 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 135 डिग्रियाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, देखिए एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो ये क्या बना रहा है, कोणों का रैखिक युग्म बनाता है, ठीक है। x प्लस 135 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका कारण क्या देंगे, देखिए ये क्या बना रहा है, कोणों का रैखिक युग्म बनाता है। तो आप कारण दे सकते हैं रैखिक युग्म, या आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण, या आप कारण में दे सकते हैं रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो देखिए, या लिख देंगे रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कौन, देखिए ये दोनों रैखिक युग्म बना रहा है, तो कारण लिख दें रैखिक युग्म के कौन। देखिए, एस पी आर दिया हुआ कितना, एस पी आर 135 डिग्री, और क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, इसको उस पर कर देंगे तो क्यू पी आर 180 डिग्री में 135 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कौन क्यू पी आर, देखिए 180 में 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री, ठीक है, तो ये निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए, कौन पी क्यू टी बराबर कौन क्यू पी आर प्लस कौन पी आर क्यू, देखिए कौन पी क्यू टी, ये कौन, ये दो कौन के बराबर होगा। देखिए ये क्या है, बहिष्कोण है, बाह्य कौन है, तो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी क्यू पी आर यानी ये कौन और पी आर क्यू यानी ये कौन, ये दो कौन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यह कारण में दे सकते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, या आप लिख सकते हैं बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, इसका मान दिया हुआ 110 डिग्री और क्यू पी आर अभी निकालें 45 डिग्री प्लस, देखिए कौन पी आर, पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू अब निकालना, इसको क्या करेंगे, इसको इस पर कर देंगे, देखिए इसको इस पर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 110 में 45 डिग्री माइनस करेंगे तो पी आर क्यू, तो देखिए 110 में 45 घटाएंगे तो ये हो गया 65 डिग्री, यानी पी आर क्यू कितना निकल गया, 65 डिग्री, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, ठीक है,
ये निकालना था, ये आंसर हो गया। देखिए x बराबर, देखिए x बराबर 10 लिखें या 10 बराबर x, ठीक है एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वीडियो अंत करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।